हेलो गाइस, वेलकम टू एमएस एकेडमी। सो टुडे आई एम इन अ न्यू लुक एंड विद अ न्यू टॉपिक। आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे द सर्कुलर मोशन। इन द प्रीवियस वीडियोस वी हैव टॉक अबाउट प्रोजेक्टाइल मोशन। बिफोर दैट वी हैव टॉक अबाउट द वेक्टर। इन दैट वी टॉक अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। इन द प्रोजेक्टाइल मोशन वी टॉक अबाउट द रेंज, हाउ टू फाइंड आउट द रेंज, हाउ टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट एंड हाउ टू फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट। And along with that, we also proved that the trajectory is parabolic. And we have solved examples as well. So today, we are going to talk about the circular motion. Okay, circular motion hai kya? So basically, circular motion kya hai? Ek aisa motion jo circle mein ho. That is called circular motion. Circle, aap jante hain? This is the circle. This is the center. And this one is called the circumference. And the distance between the center and the any point at the circumference, केंद्र और परिधि के बीच की जो दूरी होती है उसे त्रिज्या बोलते हैं। This is radius denoted by r। ठीक है, ये r हो गया, मान लीजिए कोई point हो गया। तो suppose an object is moving on the periphery, that is on the circumference। कोई object यहाँ से move करता है इस तरह से, ठीक है, move कर रहा है। तो ये क्या है? ये किसी point के चारों तरफ move कर रहा है, ओ के चारों तरफ मूव कर रहा है, एक सर्कल में मूव कर रहा है। दिस मोशन इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। यदि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट हो, मतलब सेम स्पीड से मूव कर रहा हो, सपोज 45 किलोमीटर पर आ रहा है, यदि 45 किलोमीटर पर आ रहा है उसकी स्पीड, और उसी स्पीड से मूव कर रहा है चारों तरफ, दैट मीन्स उसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, तो उसे बोलेंगे हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। याद रखिएगा, यदि स्पीड कांस्टेंट हो तो इस मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब आप देखिए, सर्कुलर मोशन दो प्रकार का हो सकता है। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो, सपोज करिए ये आपका कोई पेंडुलम रहा और इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये वर्टिकली मूव, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर रहा है। सपोज करिए ये ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, तो ये वर्टिकल हो गया, यानी कि एक ऐसे हो जाएगा ये वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो वो ऐसे, ठीक है। तो ये दो प्रकार से हम लोग इसको चाहे तो कैटेगराइज कर सकते हैं। बेसिकली ये रेडियस रहा अपना आर, एंड दिस इज द सर्कमफेरेंस। नाउ कंसीडर व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ दिस 2πr। दिस इज द सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस की जो लेंथ होती है 2πr होती है। एक बात जो समझने की है वो ये कि जो हमारा मोशन यहाँ है वो लीनियर नहीं है। एक्चुअली द मोशन इज नॉट लीनियर। देन व्हाट इज दिस? हियर वी हैव, यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट है अपना, अभी ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अभी जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा उसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी मोशन की, अभी यहाँ पे वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, एंड हियर द वेलोसिटी चेंजेस। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, एक बात जो हम कंक्लूड करने वाले हैं वो ये है कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग ए सर्कुलर मोशन कीप ऑन चेंजिंग एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रही है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है। जैसे जैसे डायरेक्शन, मैं बता चुका हूं आपको, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट आल्सो डायरेक्शन कम्स। मतलब कि जैसे डायरेक्शन चेंज होगा, मतलब डेफिनेटली वेलोसिटी चेंज होने वाली है, ठीक है, यानी वेलोसिटी हमारी चेंज होती रहती है हर पॉइंट पे। सपोज करिए टाइम टी के बाद, जो टाइम टी के बाद है, हमारा जो ऑब्जेक्ट है ए से बी पर चला गया है, उस दौरान इन दैट टाइम इसने कुछ एंगल यहां पर बनाया होगा, सपोज करिए थीटा। दिस थीटा एंगल अगर बना रहा है, यदि ये थीटा एंगल यहां बना रहा है तो यहां पे ये कितनी दूरी तय किया है एबी के बराबर, इसके बीच का रिलेशन क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसे बोलते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, एक्चुअली रिलेशन है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यानी आप कह सकते हो थीटा इक्वल टू आर्क, आर्क लिख लीजिए आप, आर्क को आर्क ही लेने लीजिए, आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला हुआ, ठीक है, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यानी यहां लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एपी अपॉन आर, थीटा इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। जैसा कि हम लीनियर मोशन पढ़ रहे थे,
तो हम लोग लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहे थे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये काइनेमेटिक सिचुएशंस हैं हमारे, वो लीनियर मोशन के लिए रहा। अब हमारे पास सर्कुलर मोशन है, जैसे वहां पे हमारे पास डिस्टेंस था वैसे ही यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्टेंस है, थीटा को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्टेंस। थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम टी में जो हमारा ऑब्जेक्ट है थीटा एंगल डिस्प्लेस कर गया है, ठीक है, यानी कि जो वेलोसिटी हो जाएगी अब यहाँ पे वो लीनियर वेलोसिटी ना होके एंगुलर वेलोसिटी कहेगी, जिसे हम ओमेगा से दर्शाते हैं, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, टाइम टी में वो थीटा डिग्री जो है अपना मूव कर जा रहा है, तो ओमेगा स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपन टाइम। फ्रॉम दैट फॉर्मूला व्हाट यू कैन सी, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी, ये भी आपको याद रखना है। यदि हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम गिव्स यू द वेलोसिटी, हियर एंगुलर, यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये एंगुलर वेलोसिटी है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो जब हमने बात किया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगुलर वेलोसिटी की, तो अब हमारे पास आ जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन भी। अब आप हमको बता दीजिए एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, यानी उसको डिनोट करते हैं अल्फा से, अल्फा इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डी ओमेगा अपॉन डी टी। वेलोसिटी को, एंगुलर वेलोसिटी को यदि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें तो हमको मिल जाएगा एक्सेलरेशन, या इसी को कह सकते हैं डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, दोनों बातें करिए, या थीटा को आप दो बार डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रिस्पेक्ट में, या वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए टी के रूप में, तो आपको अल्फा मिल जाएगा, ठीक है। ये रहा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन। जब हमारे पास ये सारे चेंज हो गए, यानी कि अब हमारे पास काइनेमेटिक्स की इक्वेशन भी बदल जाए, सो लेट अस टॉक अबाउट द काइनेमेटिक्स इक्वेशन नाउ, काइनेमेटिक्स इक्वेशन की। अभी हम सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, उससे पहले हम लोग थोड़ी सी इसकी इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। आप हमें लीनियर इक्वेशन बताइए, लीनियर इक्वेशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v अब यहां पे ये लीनियर के लिए रहा, एंगुलर क्या हो जाएगा? ओमेगा इज इक्वल टू u मतलब इनिशियल स्पीड, इसकी इस इनिशियल स्पीड ओमेगा नॉट मान लीजिए आप, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी, ये पहला इक्वेशन है। उसी तरह से लीनियर का दूसरा इक्वेशन क्या होता था? यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता था, यानी कि अब यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, यानी यहाँ थीटा हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ ऑफ द अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ये दूसरा इक्वेशन। आप तीसरा इक्वेशन बता दीजिए आप, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, यानी वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, यानी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस टू ए की जगह पर अल्फा, एस की जगह पर थीटा, ये हमारा तीसरा इक्वेशन है। ये नोट कर लीजिएगा, ये एंगुलर स्पीड, एंगुलर इक्वेशन, मोशन के जो काइनेमेटिक्स का जो इक्वेशन है, ये तीनों ये सर्कुलर में हमारा काम करता है, ठीक है। यानी आपको क्या करना है, थीटा को एस से या एक्स से, जो भी आप रखते हो, टी को टी से, वी को ओमेगा से, यू को ओमेगा नॉट से और ए को अल्फा से, यदि आप रिप्लेस कर दें तो जो आपने काइनेमेटिक्स के इक्वेशन पढ़ रखे हैं लीनियर मोशन के लिए, आपको एंगुलर मोशन, एंगुलर मिल जाएगा आपको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन में, मतलब काइनेमेटिक्स में सर्कुलर मोशन में जो इक्वेशन होगा वो ये होगा, ठीक है। होप आप इसको नोट कर चुके हैं। अब आप हम लोग देखेंगे जो हमारा सर्कुलर मोशन है, अपना जो सर्कुलर मोशन है, ये ऑब्जेक्ट रहा, ये सर्कल ये मूव कर रहा है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, द
तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्चुअली एक्सेलरेशन बदलता रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहने का मतलब स्पीड कॉन्स्टेंट है। अभी जो आपको बताना है वो ये बताना है कि जो किसी भी पॉइंट है, मान लीजिए यहाँ पॉइंट है, ये रेडियस हो गया आपका, तो इस समय ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी यहाँ पे एक्सेलरेशन भी इसका इस डायरेक्शन में ही है। एक एक्सेलरेशन जो है सेंटर की तरफ भी काम करता है, एक एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ काम करता है। होता क्या है ना, जब ऑब्जेक्ट हमारा किसी सर्कुलर मोशन में मूव करता है, सर्कुलर पाथ में मूव करता है, हमको ऑब्जेक्ट सेंटर की तरफ खींचता हुआ नजर आता है। सपोज करिए ये किसी रस्सी से बांधा हुआ एक कोई भी ईंट का टुकड़ा ही है, इसे रोटेट हम कर रहे हैं, सपोज करिए सर्कुलर मोशन, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगता है एफ, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी सर्कुलेटिंग बॉडी के पर काम करता है, एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी जो डायरेक्शन होती है सर्कल के सेंटर के तरफ होता है, ठीक है। अभी आप जानेंगे कि जो इसका मान होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो जो इसका मान होता है फोर्स का, एफ इज इक्वल टू होता है एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। आप इसे नोट कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। कितना फोर्स काम करेगा वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का मास कितना है और उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या है। यदि लीनियर वेलोसिटी नहीं मालूम है तो क्या करेंगे आप, एंगुलर वेलोसिटी को लीनियर वेलोसिटी में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे उसको जान लीजिए, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है, ये v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात करें तो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ये वाला रिलेशन आप हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर स्पीड एंड लीनियर स्पीड, तो v इज इक्वल टू ओमेगा r या v इज इक्वल टू r ओमेगा। मैग्नीट्यूड के हिसाब से तो किसी को पहले रखिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन चूंकि वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनका अभी ओमेगा इज ओमेगा क्रॉस r लिखना जरूरी है। अदरवाइज इफ यू चेंज आर क्रॉस ओमेगा कर देते हैं आप तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल गेट चेंज। सो आपको v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r ही लिखना है, दैट्स फॉर श्योर। यानी मैग्नीट्यूड वाइज आपका v इज इक्वल टू ओमेगा r, यानी आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, चेंज करिए यहां पे, अगर आप चेंज करते हैं v इक्वल टू r ओमेगा या ओमेगा r, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, m r v इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर अपॉन r, यानी क्या लिख सकते हो m r स्क्वायर से एक r कैंसिल, तो m r ओमेगा स्क्वायर। तो जो फोर्स का मान होगा m r ओमेगा स्क्वायर होगा। अब यहां पे जो ओमेगा है वो लीनियर नहीं बल्कि एंगुलर स्पीड है या एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये लीनियर अगर दिया रहा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और यदि आपको एंगुलर दिया रहा है तो इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी सर्कुलेटिंग बॉडी के चारों सर्कुलेटिंग बॉडी के ऊपर काम करता है, इन इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, ठीक है। दो एक्सेलरेशन भी काम करते हैं। यूजली क्या है, एक माना जाता है कि एक जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसका डायरेक्शन अंदर की तरफ है, एक और फोर्स काम करता है जिसका डायरेक्शन बाहर की तरफ होता है, जिसके वजह से जो अपनी ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम पे सर्कुलेटरी मोशन करता रहता है। क्यों? क्योंकि यदि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा काम करता रहे तो फिर तो सेंटर की तरफ खींच जाएगा ना। सिंस ऑब्जेक्ट इज एट इक्विलिब्रियम, मतलब सर्कुलेटिंग मोशन इज गोइंग ना, तो ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ भी कोई एक फोर्स काम कर रहा होगा। दैट सीडो फोर्स, वो एक छद्म बल होता है, सपोज करते हैं हम एक सीडो फोर्स होता है नॉट रियल, तो उसकी डायरेक्शन ठीक अपोजिट होती है, सेंट्रीपिटल के अपोजिट होती है, और मैग्नीट्यूड भी सेम होता है, इसलिए ऑब्जेक्ट सर्कुलेटिंग मोशन करता रहता है, अंदर की तरफ नहीं गिरता है, और उस फोर्स का मान एम वी स्क्वायर बाई आर होता है। उसका भी मैग्नीट्यूड इतना ही होता है, लेकिन उसका जो नाम होता है सेंट्रीपिटल नहीं बल्कि सेंट्रीफ्यूगल होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। याद रखिएगा, यह एक फॉल्स फोर्स है,
रियल में ऐसा कोई फोर्स होता नहीं है, ये एक फॉल्स फोर्स है, एक अजम्पशन है, ठीक है, कि एक फोर्स ऑब्जेक्ट पर बाहर की तरफ भी काम करता है जो उसको बैलेंस बनाए रखता है, जो उसको इक्विलिब्रियम में रखता है, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल, और इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, जबकि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होती है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, एमबी स्क्वायर बाई आर, इसका फॉर्मूला एमबी स्क्वायर बाई आर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, ये रियल होता है और ये रॉन्ग होता है, मतलब ये एक्चुअली होता नहीं। चलिए अब हम देखते हैं जो एक्सेलरेशन होते हैं, दो प्रकार के एक्सेलरेशन भी काम करते हैं, एक टेंजेंट की तरफ, ये एक टेंजेंट है, आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 एंगल का बनता है, मैथमेटिकल है, जो रेडियस या टेंजेंट है, द एंगल सबटेंड बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस इज ऑफ 90 डिग्री, ये टी हो गया। एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ काम करता है, उसे एसी बोलते हैं। दो एक्सेलरेशन आप, मैं बता चुका हूं, दो फोर्स दोनों अगर काम कर रहे हो तो उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में काम करेगा, इसलिए ऑब्जेक्ट घूम जाता है, ऑब्जेक्ट घूम के यहां आ गया। अब एक एक्सेलरेशन, एक फोर्स इधर काम किया, दूसरा फोर्स इधर काम किया, तो रिजल्टेंट इधर आ जाता है, तो ऑब्जेक्ट इधर घूम जाता है, इसी तरह से ऑब्जेक्ट घूमता रहता है। अभी यहां रिजल्टेंट इधर रहा तो ऑब्जेक्ट इधर खींच गया, ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट इधर रहा तो ऑब्जेक्ट इधर घूमा, ऑब्जेक्ट यहां जाएगा तो एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट इधर है, इधर घूम जाएगा। तो दिस इज हाउ द सर्कुलेशन ऑफ बॉडी कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन चेंजिंग, कीप ऑन चेंजिंग, ऑब्जेक्ट सर्कुलेट करता रहता है। मुझे आपको यह बताना है, दो एक्सेलरेशन काम करते हैं, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और दूसरा सर्कुलेटिंग सेंट्रल एक्सेलरेशन, जो सेंट्रल की तरफ होता है। मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैं बताया था फोर्स आपको, एफ इज इक्वल टू अंडर रूट, यदि दो फोर्स हैं दोनों के बीच का एंगल आपको पता है थीटा है, अगर 90 डिग्री है, आर इज इक्वल टू क्या होता था फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos ऑफ थीटा, अभी आपको पता है, मैं बताया, जस्ट बताया, इसके और इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, cos 90 जीरो, ये सारा टर्म तो कैंसिल हो गया, और a और b के जगह पर क्या हो जाएगा, तो जो एक्सेलरेशन का जो रिजल्टेंट है वो हो जाएगा अंडर रूट ac स्क्वायर प्लस at स्क्वायर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रल वाले का स्क्वायर का अगर अंडर रूट ले लेते हैं तो यू विल फाइंड द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन विच इज वर्किंग ऑन द बॉडी, ठीक है। ये रहा अपना सर्कुलेशन, एक्सेलरेशन निकालने का फॉर्मूला, ठीक है, फोर्स निकालने के लिए आप समझ ही गए, ठीक है, ये है जैसे कि ऑब्जेक्ट आपको मूव कर रहा है, ठीक है। So here we have a question, let's solve it. An insect trapped in a circular groove of radius 12 cm moves along the groove steadily and completes 7 revolution in 100 seconds. Question complete ho gaya, ab dekhte hain kya puchta hai. 7 revolution ko complete kar raha hai, 7 revolution 100 second mein, 7 revolution 100 second mein, aap bataiye ek revolution kitne samay mein, 100 upon 7 second, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 100 upon 7, ये टाइम पीरियड हुआ, टाइम पीरियड मतलब एक कंप्लीट सर्कल कवर करने में कितना टाइम लगा, तो ये होता अपना टाइम पीरियड, ठीक है, 100/7 second हो गया उसका, ये टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि एक ये सर्कुलेटिंग ग्रुप है समझिए, जिसका रेडियस कितना दिया अपना, जिसका रेडियस है अपना 12 सेंटीमीटर, ओके, आर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, कह रहे कि कोई जो है कोई इंसेक्ट जो है मूव कर रहा है और 7 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है 100 सेकंड में, मैं निकाल चुका हूं कि एक रेवोल्यूशन करने में उसे 100/7 सेकंड लगेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझिए, क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर स्पीड, आपसे पूछ रहा है ओमेगा क्या होगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा पूछ रहा है, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T, ओमेगा इक्वल टू होता है 2π/T, 2π क्यों लिखा है, ये ओमेगा और टी के बीच का फॉर्मूला रिलेशन है, ओमेगा इक्वल टू 2π/T हुआ,
ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। अभी आपको 2 पाई और टी की वैल्यू आपको मालूम है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, अभी हमने निकाल दिया, ठीक है, ठीक है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी। टू पाई है 3.14 अपॉन टी की वैल्यू जो अपनी है वो कितनी है, 100/7 है, सो 100/7 विल गो हायर, सो इट्स वैल्यू विल बी जस्ट लेट मी सी, इट्स वैल्यू इज 0.44 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा। पूछिए क्यों, क्योंकि ये एंगुलर स्पीड है। रेडियन क्या है, रेडियन इज द मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड सेकेंड इज द मेजरमेंट ऑफ टाइम, सो रेडियन अपन थीटा बाई, जो अपना थीटा अपन टी है ना, ओमेगा का फॉर्मूला, इसका रेडियन होता है इसका सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड होता है, एंगुलर जो स्पीड होती है उसकी जो यूनिट होती है, द यूनिट इज एंगुलर रेडियन पर सेकेंड। हमने पता कर लिया ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी, या अगर फ्रीक्वेंसी दी होती तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ लिख लेते, सिंस जो टी इज इक्वल टू 1 बाई एफ होता है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच का रिलेशन है, याद रखिएगा ये आगे बहुत काम आया था। सो तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी या 2 पाई इंटू एफ। दूसरा जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन इज, कह रहा है कि इज द एक्सेलरेशन वेक्टर ए कांस्टेंट वेक्टर, एक्सेलरेशन जो वेक्टर है कांस्टेंट वेक्टर है क्या? अब आप हमको ये बताइए, जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मैं बता चुका हूँ आपको, कीप ऑन चेंजिंग, डायरेक्शन उसकी हमेशा बदल रही है ना, डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कीप ऑन चेंजिंग एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलेटिंग मोशन, दैट मीन्स एक्सेलरेशन कांट बी कॉन्स्टेंट। तो जो एक्सेलरेशन है वो कॉन्स्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है। लीनियर स्पीड कितनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, वी क्या हो जाएगा, वी इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर इंटू ओमेगा या ओमेगा इंटू आर, वेक्टर की बात करेंगे तो ओमेगा क्रॉस आर लिखना पड़ेगा, ये गलत हो जाएगा, तो वी इक्वल टू आर ओमेगा। लीनियर वेलोसिटी क्या होगा, ओमेगा आप निकाल चुके हैं कितना आ गया है, 0.44 इंटू आर की वैल्यू हमें लगता है 12 सेंटीमीटर था, ठीक है, इंटू 12 हो जाएगा, 12 प्लस 4 52, 5.2 हो जाएगा अपना, 5.2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्यों सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में दे रखा था, सो तो 5.28 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दिस इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द सर्कुलेटिंग ऑब्जेक्ट। एक और प्रश्न जो पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड होगा क्या एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा। अभी मैं आपको बताया था कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स है उसका फोर्स मान कितना होता है, एफ इज इक्वल टू, मैं बताया था एम बी स्क्वायर बाई आर बताया था, या मैंने ये भी बताया था एम आर ओमेगा स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, फोर्स इज इक्वल टू एम इन टू ए होता है। यदि कंपेयर करें इससे एम के जगह पे एम है तो ए की जगह पर क्या है, आर ओमेगा स्क्वायर, यानी जो अल्फा होता है एंगुलर, अल्फा इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर होता है, ये आप याद रखिए, आर ओमेगा स्क्वायर। तो क्या आर की वैल्यू 12 है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 0.44, इसका स्क्वायर निकाल दीजिए, सो 12 इंटू 4.44 का स्क्वायर आप सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको पता है ना अल्फा की वैल्यू होती है मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसका यूनिट ही होती है एसआई यूनिट, ठीक है, क्योंकि दो बार टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जब करते हैं डिस्प्लेसमेंट का तो आपको मिलता है ये, तो ये अल्फा रहा, अल्फा की वैल्यू मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन, ये अपनी एंगुलर स्पीड रहा, ठीक है, बाकी ये टाइम पीरियड रहा 100/T। फ्रीक्वेंसी कोई पूछ देता तो कितना हो जाता है, 1/T निकाल देते, यानी 7/100 हो जाता है, जो पूछे वो निकालेंगे, क्या फर्क है, नो मैटर व्हाट द क्वेश्चन इज। तो ये अपना एंगुलर ये जो है अपना एंगुलर स्पीड रहा, एंगुलर वेलोसिटी रहा, और ये एंगुलर एक्सेलरेशन रहा। लीनियर वेलोसिटी भी मैं निकाला था, होप मैं मिटा दिया हूँ, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी भी मैं निकाला हूँ, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लेता हूँ आपसे, जिसका सोल्यूशन आपको करना है।
थीटा इज इक्वल टू 5t² प्लस 60 प्लस 3 एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पर, एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आप एंगुलर वेलोसिटी निकालिए और एंगुलर एक्सेलरेशन निकालिए। होप कंफर्टेबल है, आप इसे पढ़ लेंगे। एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन दो चीज निकालिए। एट टी इज इक्वल टू, आपको एक इक्वेशन दे रखा है थीटा इक्वल टू 5t² प्लस 60 प्लस 3। इस इक्वेशन की मदद से एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे आप हमको एंगुलर वेलोसिटी निकाल के दे दीजिए और एंगुलर एक्सेलरेशन। चलिए निकालते हैं। थीटा दे रखा है, हमें पता है एंगुलर स्पीड क्या होता है। एंगुलर स्पीड इक्वल टू ओमेगा से डिनोट करते हैं, जिसका फॉर्मूला है डी थीटा अपॉन डी टी, यानी हम इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी डी बाई डी टी ऑफ 5t² प्लस 6 ऑफ टी प्लस 3, यानी 5t² डी बाई डी टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6 ऑफ टी प्लस डी बाई डी टी ऑफ 3। कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है जब डिफ्रेंशिएट करते हैं। t² एक्स के पावर n का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, n एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, उसी तरह यानी पावर आ जाता है और एक घट जाता है ऊपर, यानी कि ये जब आगे आएगा तो इंटू 2 इंटू एक्स की पावर 1 यानी टी ही लिख देंगे, टी की पावर 1 टी ही हो जाएगा प्लस के, ये 6 है 12 आ जाएगा, टी का टी के रिस्पेक्ट में 1 प्लस किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, दैट मींस 0, इसका कोई मतलब ही नहीं रहा रखने का, सो लेट इट बी। सो ये आपका ओमेगा कितना आ गया, ओमेगा इक्वल टू आ गया आपका 10t प्लस 6। अब t इक्वल टू आप रख दीजिए 3, तो 3 × 10 = 30 प्लस 6 यानी 36 रेडियन पर सेकेंड आ गया। यानी जब समय t इक्वल टू 3 सेकेंड होगा तो जो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वो 36 रेडियन पर सेकेंड से मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड द एंगुलर स्पीड। एंड हाउ डू वी फाइंड, वी डिफरेंशिएट द इक्वेशन ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन ही एंगुलर वेलोसिटी को देता है। सो लेट अस टॉक अबाउट द एंगुलर एक्सेलरेशन एंड वी विल बाइंड अप द क्लास। एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिपेंडेंट बाय अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाय डी टी, ठीक है, यानी ओमेगा को हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ओमेगा वाला इक्वेशन कितना आया, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, इफ यू हेल्प मी देन आई विल बी हेल्पफुल। 5 × 10 20 प्लस 6 था हमें लगता है, ठीक है 20 प्लस 6 था, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है एक्चुअली। डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ओके अल्फा इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा, तो डी बाई डी टी ऑफ 10 ऑफ टी प्लस 6। अब यहां क्या करेंगे, 10 ऑफ टी को हम डी बाई डी टी कर देंगे प्लस डी बाई डी टी ऑफ 6, जिसको डिफरेंशिएशन आता होगा उसके लिए कंफर्टेबल है, ठीक है। अब कांस्टेंट बाहर ले लीजिए, d by dt of t कुछ नहीं यहां पे 1 बचा प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बता चुका हूं लास्ट में, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी कि आपको क्या मिला यहां से 10 अल्फा इक्वल टू 10, यानी जो एंगुलर स्पीड है एंगुलर एक्सेलरेशन है वो 10 है। एक बात जो आपके दिमाग में हमेशा होनी चाहिए, यानी कि जो एक्सेलरेशन है इसमें टी नहीं आ रहा है या टी वेरिएबल आ ही नहीं रहा, मतलब एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम, यानी टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। सो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम। होप आपको सर्कुलेटिंग मोशन सर्कुलेटिंग जो चैप्टर रहा मोशन सर्कुलेशन मोशन आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करके लिख सकते हैं आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। सो थैंक यू वेरी मच।